वाह, लगता है तेरे दिल की डोर तो तेरे बाबा से बंधी हुई है। इसे कहते हैं पसली फड़कना। ये पसली फड़कना क्या होता है जिन अंकल? यही कि तूने दिल से उसे याद किया और वो दौड़ा चला आया। नहीं ना जिन अंकल, इसका मतलब होता है दुआ पूरी होना। मैंने तुमसे तुम्हारी बेटी की मोहब्बत छीन ली, मोहब्बत छीन ली मैंने। हटो आगे से। जिन अंकल आप भी तो दुआ करें। अल्लाह मिया प्लीज मेरी मामा जैसी को ठीक कर दे। देखिए ना जिन अंकल कितना रो रहे। मेरी नानो कहती थी अगर आप रुलाते तो आप ही हंसाते, तो मेरे भी जिन अंकल को हंसा देना प्लीज अल्लाह मियां प्लीज। मेरे भी जिन अंकल को हंसा देना। हंसे जैसे बादल प्लीज अल्लाह मियां प्लीज। मेरे साथ हम सारे जग की जिन अंकल आप ही तो कहे आमीन। कितना हसी ये समा है, कितना हसी ये समा है, ये मेरी दुनिया जहाँ है, कितना हसी ये जहाँ है, कितना हसी ये जहाँ है, कितना हसी ये जहाँ। देखो शहीद, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन ये मेरा पर्सनल मैटर है। मैं मानता हूँ ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, लेकिन बच्ची को इस तरह गायब कर देना, माँ से दूर कर देना, ये कहाँ की अकलमंदी है। मैं अपनी बेटी के मामले में रिस्क नहीं ले सकता सईद। लेकिन वो भी माँ है, वो तारा का बुरा क्यों चाहेगी। एग्जैक्टली हिना की तरह वो तारा को कहीं खोएगी नहीं, लेकिन तरबियत, क्या तुम इस बात की गारंटी लेते हो कि वो एक अच्छी मां की तरह मेरी बेटी की तरबियत करेगी। अस्सलाम वालेकुम नादिया भाभी। वालेकुम अस्सलाम। एक बार मेरी बात पर ठंडे दिल से जरूर सोचना। नादिया भाभी प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। ये फैक्ट है, अगर औरत मर्द से दूबदू करती रहे तो इसकी अना सख्त नुकीला पत्थर बनकर तुम्हारी रूह को बर्बाद कर देगी।
नादिया मामी, हालात कुछ भी हो, इसने तुम्हें कितना ही स्पेस दिया हो, बहरहाल वो मर्द तुम्हारा शौहर है। नादिया भाभी, आपको अपना मुकाम पाने के लिए अपना रवैया बदलना पड़ेगा। वकार भाई बहुत नरम दिल है। भाभी, आपने उनका दिल कभी भी नरमी और मोहब्बत से जीतने की कोशिश ही नहीं की। वकार भाई के लिए हिना से जुदाई का सदमा और तुम्हारी गलती बड़ी ही सही, लेकिन कोशिश करो ये दुनिया खत्म हो जाए। कुछ अरसे तो मुझे ये रूप धारना पड़ेगा, क्योंकि ना ही मैं इस घर से जाना चाहती हूँ और ना ही अपनी बेटी से जुदा होना चाहती। पेशेंट के साथ कौन है? जी मैं हूँ। सर वो बी पॉजिटिव की अशद जरूरत है। जी ठीक है। डॉक्टर आंटी मेरा खून ले लेना, नानी जैसी कहती थी मेरे पास बहुत खून है। नहीं बेटा, आप अभी बहुत छोटी हो। अरे नहीं ना, देखिए मैं कितनी बड़ी हूँ। कह दिया ना बेटा, अभी आप बहुत छोटी हो। तू खामोश रह, बस मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं अभी खून का इंतजाम कर देता हूँ। बस आप मेरी साजिदा को बचा ले। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। तू रुक बेटा, मैं अभी आया है। मुट्ठी में तेरी ये तारे ये जुगनू तेरे साथ। अलमिया, मामा जैसी को बिल्कुल ठीक कर देना। नादिया चली जाओ यहां से, मुझे तुम्हारी माजत की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो खुद अपने दिल के बिखरे हुए टुकड़ों को इकट्ठा करने में लगा हुआ। जख्मी शख्स के पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, चली जाओ यहां से। इनफैक्ट हर लफ्ज मेरे जख्मों को कुरे देगा। सुना नहीं तुमने? चली जाओ यहां से तुम। जी जी डॉक्टर साहबा, मुबारक हो, आपके यहाँ बेटा हुआ है। और आपकी मिसेज भी खतरे से बाहर है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी पीरनी, मेरी दुआ सुन ली, मेरे अल्लाह ने दुआ सुन ली, मेरी साजिदा को लौटा दिया और जन्नत से आने वाला बेबी भी मेरे घर में ठहर गया। तू वाकई मेरी बीवी है। जी अंकल, आप रोए मत ना। तू वाकई मेरी बीवी है। आज से जब तू कहेगी वही होगा इस घर में, वही होगा। बहुत बड़ी बीवी है, बहुत बड़ी। बाल तो छोड़े, देखो कैसा कंचा माल लाया हूं। लड़की तो बहुत प्यारी है। मेरे बाल तो छोड़े। मैं लड़की नहीं, मैं बाबा की हिना हूं। तेरा बाबा कहाँ रहता है? घर में। वो घर में रहता है और तू बाहर घूम रही है।
नहीं थी। जिन मैं तुझे जिन नजर आ रहा हूँ, है? आप तो वैसे ही जिन हैं, जैसे नानी जैसी अपनी स्टोरीज में सुनाती थी। अच्छा चल छोड़ इस बात को, ये बता कि अगर तू घूम नहीं रही थी तो उस फकीरनी के साथ क्या कर रही थी? ऐसे नहीं बोलते किसी के लिए। क्यों नहीं कहते? क्योंकि उन लोगों के मामा बाबा नहीं है। हाँ तो उसका तो कोई भी नहीं है, इसलिए तो वो अल्लाह से मांगती है। वो अल्लाह से नहीं लोगों से मांगती है। यही तो, अल्लाह से जब मांगती है ना वो, तो अल्लाह किसी के भी हाथ भेज देता है। मेरी नाना कहती थी अगर आप अल्लाह से कुछ भी मांगो वो आपको आपका गिफ्ट दे देता है, किसी के भी हाथ। वाह, तू तो जैसे कोई पीर नहीं है। ये समा है कितना हसी ये समा है, ये मेरी दुनिया जहां है, कितना हसी ये जहां। अरे जो इतनी मुश्किल से परमिशन मिली है। डैड मैं आपको कब से कॉल कर रही हूँ, आप फोन क्यों रिसीव नहीं कर रहे थे? अरे नहीं वो अभी नजर पड़ी फोन पर मेरी। मुझे पता है आप हमेशा देर कर देते हैं। अच्छा ये बताओ वहाँ डर तो नहीं लग रहा? नहीं डैड, जब आप मेरे साथ होते तो मुझे डर नहीं लगता। डैड हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपने बेटा खूब दिल लगाकर पढ़ना है वहां पर, क्योंकि आप ही डैड की आखिरी उम्मीद हो। जी डैड। ओके कितनी दफा तुम्हें कहा है कि उसे ढूंढने की कोशिश मत करो, नहीं मिलेगी तुम्हें। मेरी बेटी है वो। तुम्हारी बेटी थी, अब वो सिर्फ मेरी बेटी है। वकार, तुम इतना जुल्म क्यों कर रहे हो? ओह फॉर गॉड सेक, ये पुरानी बातें मत करना मुझसे अब, और प्लीज मेरे सामने मत आया करो, आई जस्ट कांट स्टैंड यू। जस्ट गेट आउट, निकल जाओ मैं कह रहा हूं। बस 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 भाई क्या खुश हो? बहुत बस बस, ये लो आप ही पिज़्ज़ा पिया के ये लो। बस 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 आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ मामा जैसी। दो सलाम अलैकुम। कैसी है साजिदा? मुझे क्या होना है, इसकी दुआएं साथ है ना। सही कह रही है साजिदा, ये वाकई बहुत बड़ी पीरनी है, जब भी दुआ करती है ना तो हाँ का ठप्पा लगवा लेती है। मामा जैसी चाहिए? सच कह रही है साजिदा, मैं तुझे जिस हालत में यहाँ लाया था ना
मैं तो हिम्मत छोड़ बैठा था, इसी ने मुझे हौसला दिया। मामा जैसी ये दिखाएं, ये दर्द करता होगा ना आपको? तुझे कैसे पता दर्द होता है? तू बड़ी डॉक्टर नहीं है, है? नहीं ना जन अंकल, जब मेरी तबीयत खराब थी ना मुझे भी ये लगा तो बहुत दर्द होता है। तो तेरी तबीयत क्यों खराब हुई थी? वो मैंने मछली खाई थी ना, और मुझे मछली से एलर्जी है। ओ अल्लाह का शुक्र है, मैं तो रात के खाने में मछली लाने वाला था। अब ये बेटी के प्यार में लगी रहेगी, बेटा नहीं दिखाएगी मुझे। हमारा बेटा। पहली बार अपनी औलाद को गोद में लिया। अरे ये क्या नाराजगी, अपनी जगह नाश्ता तो कर लें, कुछ थोड़ा सा खा लें। अच्छी एक्टिंग कर लेती हो तुम। अगर तुम ये समझती हो कि तुम्हारी इस मिडिल क्लास परफॉर्मेंस से इंप्रेस होकर मैं तुम्हें फिर से कबूल कर लूंगा तो तुम्हारी गलतफहमी है। ऐसा कुछ नहीं रहा हमारे दरमियान। तुम चुप रहो नादिया, उसे ही समझने दो कि तुम उसका दिल जीतने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारा ख्याल है कि तुम मुझे बदल दोगे, सर सोचना भी मत। छोटा सा। अच्छा ये बता, जन्नत कैसी है? और तुम मेरी मामा और नाना से मिली क्या? वो मुझे मिस करती हैं। बताओ ना कैसी है जन्नत, बताओ। अरे बावली सारी बातें आज ही पूछ लेगी, हैं? बड़ा तो होने दे इसे, सब बता देगा। अरे नहीं ना जन अंकल, बड़े होते तो सब कुछ भूल जाते, जैसे मेरे बाबा। कुछ दिन क्या हुआ सब कुछ भूल गए, इतनी मुश्किल से याद करवाया था मैंने इन्हें सब कुछ। आ सकते हो अभी? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं आ जाता हूँ अभी। वकार क्या हुआ? वकार मुझे फौरन जाना पड़ेगा। ओ बस बस बस, गर्मी लगी है। मुझे जरा वो जमील को देखने अस्पताल जाना है, उसके कुछ टेस्ट होने वाले हैं। हाँ तो इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, जाओ तुम। यार मैं इसकी वजह से उलझ रहा हूँ, ये बच्ची है ना, मैं गया
तो आगे पीछे कोई नहीं होगा, ये कहीं इधर उधर ना हो जाए। अल्लाह न करे, कैसी बातें कर रहे हो? नीना बेटा देख, मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, ठीक है? और तूने मामा जैसी के पास रहना है। जी जी अंकल। अगर मामा जैसी सो भी रही हो ना, तो तूने कमरे से बाहर नहीं निकलना, समझी मेरी बात को? वादा कर मुझसे के बाहर नहीं निकलेगी। जी ठीक है जी अंकल, मैं मामा और मुन्ने के पास ही रहूंगी, आप जाए। शाबाश मेरी बेटी। देख साजदा, हिना का बहुत ख्याल रखना, तू तो जानती है ना मेरा धंधा बहुत खराब है, 100 दुश्मन हैं, 100 दोस्त हैं, और जो दोस्त है ना वो भी अब दुश्मन बन गए, इसीलिए कह रहा हूं कि इसका बहुत ख्याल रखना, ठीक है? मैं जाता हूं फिर। नहीं जाती, तू जा, जाके देख क्या उसे। ओके ना बेटा, मैं जा रहा हूं, मामा जैसी का ख्याल रखना, ठीक है? चल बेटा। फिक्र नहीं करना। अब सुन लिया ना जिन अक्कल ने क्या कहा, कहीं बाहर नहीं जाना, यहीं बैठी रहना। कहीं से तो पता मिले मेरी बच्ची को उसने कहां छुपा रखा है। एक भी क्लू नहीं है, कहीं भी कुछ दर्ज नहीं है, ना फोन नंबर ना कोई एड्रेस। डॉक्टर देखिएगा, देखिए पेन हो रहा है, इसकी तबीयत खराब हो रही है। जी ये क्या, कुछ रात को ऐसा खाया था आपने, क्या हुआ था, कुछ फीलिंग कब से आ रही है आपको ऐसी? अचानक इनकी तबीयत खराब हुई और इसको लेकर यहाँ आ गया हूँ। आप इनके ईसीजी वगैरह कीजिए, देखिए इनको फटाफट, मैं आपको मेडिसिन देती हूँ, आप वो जाके लेके आ जाइए। जी जी
मामा जैसे आपको दर्द हो रहा होगा ना, मैं अल्लाह मियाँ से दुआ करती हूँ आपके लिए, ठीक है ना? मामा जैसी शायद सो गई। अच्छा मुन्ना, मामा जैसी का ख्याल रखना। अच्छा मुन्ना, मामा जैसी का ख्याल रखना, मैं अभी दुआ मांग कर आती हूँ। बस बस बस। उठ जा यार, जब तेरी जरूरत है मुझे। उनका आंखें को परेशान नहीं हूँ, ना मिल जाइयो, हम मिल के ढूंढे जो थे, बस तू उठ जा यार, उठ जा। इसी की लेके आएंगे जी। आपके पेशेंट अभी सही रिस्पांस नहीं कर रहे, अगर उनकी यही कंडीशन रही तो फिर हमें उन्हें वेंटिलेटर पे डालना होगा। डॉक्टर साहब, आप देखिए ना डॉक्टर साहब, प्लीज देख ले। जी मैं देख रही हूँ, स्टाफ लगा है उनके साथ, वो सब देख रहे हैं और इंशाल्लाह बेहतर होगा। नादिया भाभी ने ऑफिस में आके बहुत हंगामा किया था, जिसकी वजह से वकार बर्दाश्त नहीं कर सका और उसे अटैक आ गया। ये नादिया भाभी भी ना, ये आखिर कब तक वकार भाई की जिंदगी को मुश्किल बनाती रहेंगी? तानिया, कुछ लोग होते हैं जिनके बगैर रहा नहीं जा सकता, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके साथ नहीं रहा जा सकता। वकार की हिम्मत है जो इतने बरस उसने नादिया भाभी के साथ गुजार दी। बस तुम दुआ करो कि किसी तरह वकार की जिंदगी बच जाए। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर कह रहे हैं कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर पुरुमीद नहीं है। तो बनने नहीं दूंगा, अब देख। एक
क्या हो गई? अस्सलाम वालेकुम सजदा, ये हिना कहाँ है? पूरा हिना पता नहीं कहाँ चली गई। क्या? मैंने तुझसे कहा था ना उसका ख्याल रखना। हिना 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 तेरे साथ के ये नन्ही दम नहीं है तेरे हाथों में। हाँ उस्ताद बोल। आशीदे कहाँ है तू? डेरे पर है? हाँ उस्ताद अड्डे पर हूँ। बोल क्या काम है? हाँ अभी बताता हूँ तुझे थोड़ी देर में फोन करके। उस्ताद फोन करके बताएगा। नहीं शीदे, मैंने एक बार सोच लिया, बस सोच लिया। उस्ताद पागल मत बनो, इस शहर में इतने सालों में हमने एक नाम बनाया है, तुम ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? एक बार जो सोच लिया वो सोच लिया। अपना नहीं तो हमारा ही सोच लो, वरना कोई ना कोई हमें गोली से मारेगा और हम कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। नहीं सीधे, अब मुझे ये मार धाड़ लड़ाई लड़कियों का धंधा बिल्कुल पसंद नहीं है। जब से ये बच्ची आई है ना, बहुत बुजदिल हो गए हो। अगर मेरा बस चलता ना, इस बच्ची को मैं कहीं और दे देता। ओए शिदे, आज के बाद अगर तूने मेरी बेटी की तरफ नजर उठाकर भी देखा या उसके मुतालिक एक लफ्ज भी कहा ना, तो तेरी जबान खींच लूंगा, समझा? दोबारा इस बात का जिक्र मत करना। उस्ताद तुम यहां? हिना कहाँ है? उसको मैंने आगे कर दिया है। देख शीदे, तू जानता है कि वो कोई आम बच्ची नहीं है, मेरी बेटी है। बोल कहाँ है वो, बताओ। उस्ताद अगर तेरे ऐसे ही हाथ चलते रहे ना, तो तू शक्ल नहीं देख पाएगा उस लड़की की। बता कहाँ है मेरी बेटी? अब आया ना लाइन पे। 5 लाख, 5 लाख। हिना गुला, 5 लाख तुझे मिल जाएंगे। जिनका देखे ना, ओए छोड़ इसे। ये मेरा हाथ पकड़े हुए। छोड़ इसे, छोड़। तूने जो कुछ मेरे साथ किया है ना शिदे, इसे मैं भूलूंगा नहीं, समझा? क्या देख रहा है बे? बैठ। चल बेटा,
उस्ताद, तूने इसे जाने क्यों दिया? वाह, जिसका दिल बदली हो गया तो इसने धंधा ही बदली कर लिया, और कल को पलट के इसने हमसे धंधा ही मांग लिया तो फिर क्या होगा? जिंदा रहेगा तो ना। मतलब जिंदा रहेगा तो ना ऐसी भयानक मौत दूंगा, इस गद्दी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। कब से अपने साहब के लिए मैं दुआ मांग रही हूं, लेकिन शायद मेरी दुआओं में असर ही नहीं। लेकिन अगर हिना दुआ मांगती साहब के लिए तो साहब कब के ठीक होके उठ जाते। क्या कर रहे पापा पे तो नहीं है? साहब की भी कैसी किस्मत है, सारी जिंदगी मोहब्बत को तरसते रहे। बाबा को नहीं बोल सकती बाबा। बाबा आप क्यों इतनी जल्दी जा रहे? मत जाए ना, ऐसा थोड़ी ना होता है। आप ही तो कहते थे कि आप मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते, तो मेरे लिए मत जाए ना बाबा। काश अगर साहब उस वक्त सबा बीबी के लिए डट जाते तो आज जिंदगी बहुत मुख्तलिफ होती। हंसी जैसी बात ये पंछी।